रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सरकार परिवार बोले, वक्त पर नहीं लिए जा रहे हैं निर्णय। असम की अदालत ने मनीष सिसोदिया को भेजा सम्मन, सीएम हेमंत की पत्नी ने दायर की थी मानहानि की याचिका। सीबीआई रेड पर भड़की आरजेडी नेता सुनील सिंह की पत्नी ने कहा, कुछ नहीं मिला तो मानहानि का करूंगी केस। देश में आईएसएसआई अलकायदा नेटवर्क बनाया, आतंकी हर बार बातचीत के लिए नया ऐप डेवलप करते हैं, इसके बाद ऐप डिलीट करते हैं। देश के 9 राज्यों में 67% ज्यादा बारिश, एमपी में 150 गांव बाढ़ में डूबे, बिहार राजस्थान समेत 8 राज्य में 45% से कम बारिश। संविधान पीठ तय करेगी शिवसेना किसकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 5 जजों की बेंच 8 सवालों से फैसला करेगी, अगली सुनवाई 25 अगस्त को। एक बार फिर भड़के केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इतिहासकार इरफान हबीब को बताया गुंडा। ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ का आरोप, भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरन सरकार एजेंट नियुक्त कर रही है। सुरक्षा कटौती पर आप सरकार को झटका, एसी ने रोक लगाई, सरकार खुफिया एजेंसियों के मिलकर करे रेस्क्यू, सिक्योरिटी लीक से कई खतरे में। पूर्व कांग्रेसी मंत्री आशु पर बरसे सीएम भगवंत, बोले चंडीगढ़ आकर कहा पकड़ लो, अगर पकड़ लिया तो कर रहे हैं क्यों पकड़ा। टी राजा को जमानत के विरोध में रात भर चला प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल, निलंबित भाजपा एमएलए ने पैगंबर पर की थी टिप्पणी। महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले सीबीआई की एंट्री, आरजेडी के 2 सांसद 2 एमएलसी के खिलाफ ठिकानों पर छापे। जम्मू कश्मीर में पेड़ से लटका मिला भाजपा नेता का शव, सोमवार से लापता था सोमराज, मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित। डीआरडीओ ने वीएलएसआरएमएसए मिसाइल का सफल परीक्षण किया, सतह से हवा में मार करने में सक्षम, 360 डिग्री घूमकर कर सकती है दुश्मन का खात्मा। मनीष सिसोदिया के राजपूत बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा आपने आप को भारतीय कहने की प्रथा कब खत्म हुई थी। मंदिर का निर्माण रुकवाने पर हंगामा, अलीगढ़ के सराय लबिया में बवाल की सूचना पर फोर्स तैनात, निर्माण फिर शुरू कराया। प्रयागराज में 3 दोस्तों ने छात्रा का गैंग रेप कर सड़कों किनारे फेंका, प्राइवेट पार्ट को दांतों से काटा, 14 दिन में चल रहा इलाज। इटावा में बैराज से छोड़ गए पानी से टटी इलाके में दशहरा, चंबल नदी का देखने लगा रौद्र रूप, ग्रामीणों को अलर्ट जारी। प्यार में धर्म परिवर्तन करने के बाद भी दहेज की भेंट चढ़ी, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दिए मुकदमे के आदेश, जांच में खुलेगी शबनूर की बनी शिवानी की गुत्थी।
बरेली कैंट में फर्जी सेना भर्ती गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी, लड़की से फर्जी शादी, इंटेलिजेंस ने पकड़ा। वाराणसी में 25 अगस्त से एनईपी की ट्रेनिंग महाकुंभ, पूरे भारत में 15 लाख टीचरों का मेगा प्रशिक्षण, पूर्वांचल का जिम्मा वाराणसी के एनजीओ को। फिरोजाबाद के सीडीओ और एसएफ देहात का ट्रांसफर, सीडीओ दीक्षा जैन और कुमार रणवीर सिंह बने एसपी देहात। वाराणसी में आधी रात हुई 49 मिलीमीटर बारिश, 6 सेंटीमीटर घटा गंगा का जलस्तर, घाटों पर लबालब पानी। बलिया के उभाव में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, हाफ पैंट व सफेद टी शर्ट पहना है, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में छेड़खानी का विरोध किया तो मार डाला, सफाईकर्मी को घर के सामने गिराकर पीटा, फिर चाकू और तलवार से किए वार। मेरठ में भाजपा नेता की शिकायत पर हटे एसपी सिटी, शासन ने एसपी सिटी के व्यवहार को लेकर शिकायत की थी, पीएससी भेजे गए। झांसी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा गौवंश तस्कर, 25,000 का इनामी था, गौवंश मांस की बांग्लादेश को करता था तस्करी। बदायूं में भैंस चोर गैंग के युवक को गोली मारी, पशुशाला से भैंस खोल रहा था गिरोह, विरोध कर झोंका फायर, घायल अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद के टुंडला में 10वीं के छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 4 युवक छात्रा को किडनैप कर ले गए थे कमरे में, ले जाकर किया रेप। उन्नाव के चौकी में शराब पीने के बाद सिपाही में नोकझोंक, एक दूसरे को आईजी डीआईजी कहकर भिड़े, एसपी ने सीओ को सौंपी जांच। आगरा के चंबल में बाढ़ में डूबे पीना हट के कई गांव, लोग जान बचाने के लिए कर रहे फलायन, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। बदायूं में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार, घर के पास खेतिहर इलाके में हुई वारदात, भीड़ ने आरोपी को मौके से दबोचा। शाहजहांपुर में 24 घंटे में 59 अपराधी गिरफ्तार, एसपी के आदेश पर रात में चलाया गया विशेष अभियान, अवैध शराब, नकदी और तमंचे बरामद। अयोध्या में जगत गुरु परमहंसाचार्य ने किया टी राजा का समर्थन, बोले हिंदू के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मेरठ में महिला टीचर से छेड़छाड़, स्कूल के प्रबंध ने बनाया होमगार्ड, होम साइंस के टीचर बोली टीचर मुझे छेड़छाड़ करता था। हमीरपुर में यमुना बेतवा ने खतरे के निशान को किया पार, रिहायशी इलाकों में घुसने लगा पानी, प्रशासन जुटा राहत शिविरों के इंतजाम में। मेरठ नाले में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, ब्रह्मपुरी थाने के पास नाले में तैरती मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में गन्ने के खेत में मिली नवजात बच्ची, ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया, माता पिता की तलाश में जुटी पुलिस। अम्बेडकर नगर में एसपी ने बदले 20 निरीक्षक, उपनिरीक्षक देर रात किए तबादले, चंद्रभान व गजेंद्र विक्रम को मिली नई तैनाती। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब गंगा यमुना, अब बढ़ा पानी तो बेघर होंगे 5 लाख आबादी, बाढ़ क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार।
मेरठ में बेटे के सामने पिता की हत्या, व्यापारी की चाकू से गर्दन काटकर फिर गोली मारी, बेटे से बोला तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। औरैया में 5 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 2 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी बेहोश। गाजीपुर में सेना के जवान को मारपीट कर किया घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, सियाचिन में तैनात है जवान। मुजफ्फरनगर में बाट माप निरीक्षक 25,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट, एंटी करप्शन टीम के आरोपी के ड्राइवर को भी किया अरेस्ट, दोनों पर मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड को मिले 16 IAS अफसर, राज की सेवा छोड़कर केंद्र ने दी अखिल भारतीय प्रशासनिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड में हैवानियत की हद पार, ब्लेड से काट डाला 2 साल के मासूम का गला, गन्ने के खेत में इस हालत में मिला शव। उत्तराखंड में अंडरग्राउंड हो गया बाबी कटारिया, पहरा दे रही है पुलिस, अर्जी देने के बाद भी सरेंडर करने नहीं पहुंचा कोर्ट। उत्तराखंड में फिर पेपर लीक मामले में पकड़े गए सचिवालय के 2 अपर निजी सचिव, निलंबित, आदेश जारी। उत्तराखंड में 26 अगस्त को देहरादून के पिथौरागढ़ अमोल अल्मोड़ा के लिए शुरू होगी रेल हेली सेवाएं, रोजाना होगा संचालन। उत्तराखंड में 50 लाख की धोखाधड़ी मामला, गैर जमानती वारंट जारी होने पर फरार हुए 4 महंत, गिरफ्तारी के लिए पंजाब में दी गई दबिश। उत्तराखंड के कौशल विकास विभाग के क्लास 1 अफसर सस्पेंड, मुख्यमंत्री व मंत्री के नाम पर गुमराह करने का आरोप। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिसकर्मी बना सपा सेंटर के जबरन युवती को ले गया युवक, छेड़छाड़ कर मोबाइल और रुपए लूटे। उत्तराखंड के टेहरी में बुधवार को सुबह फिर बादल फटा, नेल चामी गरेत के उफान पे मचाई तबाही। उत्तराखंड भाजपा में अब 20 होंगे संगठित जिले, प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट आज कर सकते हैं घोषणा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का चढ़ा पारा, एनएचएम का बजट खर्च ना होने पर 4 जिलों के सीएमओ से जवाब तलब। उत्तराखंड के 6 दिन तक उत्तरकाशी के जंगलों में अकेला भटकता रहा अमेरिकी नागरिक, 3 दिन यूरिन से बुझाई प्यास। उत्तराखंड में पॉलिथीन मुक्त देहरादून का सपना, 12 साल बाद भी अधूरा, 2019 से 3 बार लग चुका है प्रतिबंध। उत्तराखंड के शीशमबाड़ा कूड़ा निरस्त प्लांट में हंगामा, देर रात पुलिस के पहरे में गए कूड़ा वाहन। उत्तराखंड में प्रकृति से छेड़छाड़, दुष्प्रभाव, हिमालय क्षेत्र अनेक कारणों से बढ़ रही भूस्खलन की घटनाएं। यूक्रेन पर रूसी हमले से 6 महीने पुनर्निर्माण करने के कवायदा शुरू, यूक्रेनी सेना के गढ़ मरियापोल के में रूस बना रहा है स्कूल अस्पताल।
यूएसए में बुलडोजर पर विवाद, इंडियन परेड में बुलडोजर शामिल करने का सामाजिक समूह भड़के, लोग बोले ये हॉट क्राइम का सिग्नल। बाइडन के आदेश पर अमेरिकी सेना का जोरदार प्रहार, सीरिया में ईरानी सेना के ठिकाने तबाह। रूस यूक्रेन सेना के बीच लीज ट्रस्ट का बड़ा बयान, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है तो परमाणु युद्ध के लिए तैयार हैं। हिंद महासागर तक के एक नए रास्ते की जुगाड़ में लगा चीन, अब अफ्रीका में फ्रीडम रेलवे के निर्माण में जुटा। इटली में विवादित वीडियो पर बवाल, पीएम पद की दावेदारी ने रेप का वीडियो पोस्ट किया, विरोध भी बोले ये घनौना सियासत। मालदीव के मंत्री पर असुरे से हमला, अली सोहिल का गला काटना चाहता था आरोपी, कट्टरपंथी नारेबाजी भी कर रहे हैं। पहली बार भारत में बोले ऋषि सुकून, कहा दोनों देशों के रिश्तों में पॉजिटिव चेंज की जरूरत, भारत से काफी सीख सकता है यूके। सना मरीन की ड्रग रिपोर्ट निगेटिव, चार दिन पहले फिनलैंड की पीएम का डांस वीडियो वायरल हुआ था, अपोजिन मांग रही थी इस्तीफा। आमिर खान पर आतंकवाद का आरोप, अमेरिका बोला पाकिस्तान में किसी दल की तरफदारी नहीं। ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ का आरोप, भारत सरकार ट्विटर में सरकारी एजेंट रखवा रही है, मकसद सेंसिटिव डेटा एक्सेस करना। पांच साल में दोगुनी हुई पारिवारिक बचत, कम होती महंगाई के बीच डिस्क्रिशनरी खर्च 10 गुना और बढ़ गया। अनिल अंबानी पर 420 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, दो स्विस बैंक खाते में गुप्त धन रखने पर आईटी डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस। जियो की 5G सर्विस की तैयारी, कंपनी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 4420 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदा, जियो के निवेश का बड़ा हिस्सा 2/3 से ज्यादा। एलजी हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन हुआ महंगा, अब 8% ब्याज पर मिलेगा लोन, यहां समझे लोन की कितनी ज्यादा बनेगी ईएमआई। अडानी समूह पर कर्ज काफी ज्यादा, आक्रामक विस्तार से बड़ा है दबाव, कंपनी पर डिफॉल्ट का खतरा। मार्च तक 6% से कम नीचे आ सकती है महंगाई, दिसंबर तक रेपो दर में 0.60% इजाफा कर सकता है आरबीआई। शिबा इनू का बर्न रेट 256% बढ़ा, 17.60 करोड़ टोकन दिए गए, टोकन का बर्न रेट बढ़कर 256% पहुंच गया। क्रिप्टो लैंडिंग फर्म होलोबेन्यू ने खर्च घटाने के लिए की छटनी, वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही है क्रिप्टो लैंडिंग। सड़क परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार का रुख करेगी सरकार, छोटे निवेशकों के निवेशक की अनुमति देने की योजना। हार्दिक ने की बुमराह के एक्शन में बर्लिंग, नेट्स का गेंदबाजी को मिला सेलिब्रेट किया, फैंस बोले अच्छा है पर बुमराह तो बुमराह है। दशतक 7 छक्के जड़ते हुए ठोका शतक, अनजान भारतीय बल्लेबाज की तूफानी पारी से लुटी महफिल।
शुभमगम गिल की टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को दिया शतक का श्रेय, कहा क्रीज पर टिके रहने से की दी गई थी सलाह। आप अपना बल्ला एम्पायर को क्यों दे रहे थे, ईशान किशन के सवाल पर गिल ने कहा यह पूरी तरह से मेरी गलती थी। लीडर्स लीग का क्रिकेट का शेड्यूल जारी, 16 सितंबर को पहले मैच 6 शहरों में होंगे मैच। बेन स्टोक्स को सलाह, 40 ओवर का हेड ओवर मैच, बोले पिता की मृत्यु के बाद क्रिकेट से नफरत करने लगे थे, आईपीएल खेलते खेल सकते हैं। काउंट्री क्रिकेट में पुजारी की धमाकेदार बल्लेबाजी, 90 गेंदों में बनाए 132 रन, 5 मैच में तीसरा शतक लगाया, टीम ने बनाए 400 रन। मुफलिसी में जी रहे हैं कामली को मिली नौकरी का ऑफर, सैलरी 1 लाख रुपए, फाइनेंस विभाग में काम करना होगा। धनश्री ने चहल के साथ शेयर किया फनी वीडियो, रिश्ते में खटास की खबरों के बीच पति के साथ दिखी शानदार केमिस्ट्री। भारत पाकिस्तान मैच से पहले वसीम अकरम और रवि शास्त्री आए खुलकर सामने, अकरम ने कहा पाकिस्तान के हौसले बुलंद। मोस्ट अवेटेड विक्रम बेघा का टीचर अकाउंट, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान में होगा टकराव, 3 सितंबर को रिलीज होगी। मरानी सीरीज के बाद बदलाव पे आए हुमा कुरैशी की बोली, सीरीज में मेरी लाइफ बदली, डायरेक्टर मुझे अब लीड रोल ऑफर कर रहे हैं। कृति सेनन का बीस्ट मोड जिम में इंटेंस वर्कआउट करती दिखी एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर शेयर किया वर्कआउट का वीडियो। सानिया मल्होत्रा का वर्कआउट वीडियो वायरल, जिम में जमकर बहाया पसीना, एक्सरसाइज करने के साथ डांस भी करती दिखी। दोबारा शुरू हो सकती है कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग, 2 साल से रुका था काम, कमल बोले एक फिल्म पर दे सकते हैं सालों का समय। जॉली LLB 3 के आमने सामने हो सकते हैं, 2 जॉली फिल्म में अक्षय कुमार अरशद वासी के साथ नजर आएंगे। शाहरुख खान का किंग टैग चुराना चाहते हैं विजय देवकोड़ा, रूमर्ड गर्लफ्रेंड रश्मि का मदान पर दिया गया रिएक्शन। विवादों में फरहान अख्तर की एक्सेस एंटरटेनमेंट कंपनी, मिर्जापुर 3 के सेट पर काम कर रहे 300 मजदूरों को नहीं दिया पैसा। अकेले सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से उभरी शहनाज गिल, बोली दुनिया के आगे रोती तो लोग बोलते कि सिंपैथी पाना चाहती है। जेम्स कैमरून की अवतार इंडिया में होगी री रिलीज, 23 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म, मेकर्स ने टीजर आउट कर अनाउंसमेंट किया। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम TV। नमस्कार।